प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी लोगों को अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में शामिल होने का आह्वान किया है। बरगदवा में सोलर प्लांट का लोकार्पण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोलर प्लांट स्थापित होने से जहां बिजली की बचत होगी वहीं सस्ता विद्युत आपूर्ति भी हो सकेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सभी काम अपने समय से पूरे होंगे। उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा के तत्वाधान में 1.2 मेगावाट सोलर प्लांट का यहाँ पर अभी महाराज इधर भी सौर ऊर्जा वास्तव में एक प्राकृतिक ऊर्जा है। अगर हम इसका बेहतर उपयोग करें तो स्वाभाविक रूप से डीजल और पेट्रोल की खपत से खपत को तो हम कम कर ही सकते हैं। इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में हम विदेशी मुद्रा को भी बचत कर सकते हैं और प्रदूषण को भी नियंत्रण करने में भारी मदद मिलेगी। एक अच्छा प्रयास है। कैसे अपने प्रतिष्ठान के रूफटॉप का उपयोग करके हम इस कार्य को कर सकते हैं। हमने इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एनर्जी कन्वेंशन का एक बिल्डिंग कोड भी लागू किया है, जिसमें जितनी भी सरकारी भवन बनेंगे उन सब पर हम इसको लागू करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसका बेहतर उपयोग हम लोग कर पाएंगे। धन त्रयोदशी है और धन त्रयोदशी के अवसर पर आप सबके घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो, इस बात की मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। परसों दीपावली है और दीपावली की भी हार्दिक मंगल में शुभकामनाएं आप सबको लेकर के है। महाराज जी सभी पूज्य संतों को मैंने दीपावली में अयोध्या आमंत्रित किया है। ये सभी अयोध्या आए, भगवान राम के अयोध्या आगमन के उत्सव में शामिल हों और आप सब से भी मैं अपील करूंगा कि भगवान राम के नाम पर 6 और 7 नवंबर को एक एक द्वीप प्रज्वलित करके कामित उत्साह को और अच्छा बना दें। ये आप सब सारे कार्य यथा समय पूरे होंगे। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं।